धरती तब रही है, उमाकांत चौराहे पहुंचे और गोपी के पांव की आहट सुनकर जब जाने लगे, भागने लगे, तो वो कहती है नीतम यदि नव नीतम 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 तुम्हें आता तो ताप प्रभुम माधव 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 माधव। यदि तूने नवनीत ले लिया तो ले लिया, क्या इससे हुआ? इस समय धरती तप रही है, तेरे चरण कमल से भी अधिक सुकोमल है, इन चरणों से तू मत दौड़ मत भाग। धरती की गर्मी से तपी हुई धरती से तेरे चरणों में फकोरे न पड़ जाए, इसलिए मत जा, तू नहीं रह। किसी समय रात को पहुंचे माखन चुराने और जब आहट पड़ी तो भागने लगे, तो वो कहती है क्षीर सारम परित्य संकया स्वीकृतम यदि पलायनम त्वया मानसे मम घनांधकारे नंदनंदन कथन से। नंदनंदन, अगर क्षीर सार नवनीत चुराकर तुझे भागना ही है और किसी गुप्त स्थान पर छिपना है, अंधेरे में छिपना है, तो कहाँ बाहर जा रहा है? मेरे मन में अज्ञान का अंधकार छाया हुआ है। मानस से मम घनांधकारे नंदनंदन कथन नदी से यहीं क्यों नहीं छुप जाता? मेरे मन रूपी घर में जहाँ के अज्ञान का अंधकार छाया हुआ है, यहीं छुप जा। ऐसा कहकर रूपियाँ अपना प्रकट करती हैं और श्याम सुंदर की लीला चलते रहते हैं। नई नीति रीति से माखन चुराने जाते हैं, कभी रात जाते हैं, कभी दिन जाते हैं। किसी गोपी ने घंटी बांध दी, सीके में माखन टांग कर, माखन की मटकी टांग कर वहीं घंटी भी बांध दी कि अगर ये माखन की मटकी छुएगा तो घंटे टंटन करेंगे और हम पहुंच जाएंगे। तो घर में कोई था नहीं, आप पहुंचे तो जैसे ही इन्होंने माखन की मटकी छुई और घंटी टंटन बजी तो भगवान ने कहा अरे घंटी तो क्यों बजती है? वे जब ठाकुर जी भोग लगाएंगे तो नहीं बजेगी। जब ठाकुर जी भोग लगाते हैं तो घंटी का बजना अनिवार्य है, अगर हम अभी न बजे तो हमारा अस्तित्व किसका होगा? ऐसे भगवान की लीलाएं होती हैं। तो भाई 10 बजने जा रहा है, अब हम कथा यही समाप्त करते हैं, कल आप लोगों को फिर सुनाएंगे। श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय
जाता सदा साथी पुकारो गोविंद नाम धर्माधवे श्यामा